आशिका से हम सब लोग बेहतरीन हो गए और धूम मचा रहोगे। आप सभी लोगों ने सर्च करा होगा हाउ डू कम्युनिटी गाइडलाइंस अफेक्ट माई अकाउंट या फिर वॉट इज कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग अलग अलग चीज़ सर्च करके इस वीडियो पे आए हो। तो अगर आपको जानना है कि भाई ये जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस है ये क्या होता है, इससे अपने अकाउंट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या अपना जो अकाउंट है वो डिलीट हो सकता है, और अगर अपन को स्ट्राइक आई है तो क्या वो रिमूव हो सकती है, तो भाई जितने भी टॉपिक्स है भाई मैंने सब को इस वीडियो में कवर किया है। तो आपको क्या करना है भाई लोग, वीडियो में तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बिल्कुल स्किप करोगे ना भाई शायद आपको ढंग से ये जो प्रॉब्लम है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में ढंग से समझ में ना आए। तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ना इंटरफेस, ये कैसे लाना है। तो पहले तो मैं आपको इसे हटा देता हूँ। सबसे पहले भाई आपको ओपन कर लेना है इंस्टाग्राम को, फिर आपको भाई आ जाना है प्रोफाइल पे जैसे कि मैं आ रहा हूँ। फिर आपको राइट साइड के टॉपिक थी लाइन देखे, इस पर क्लिक करो, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करो, फिर आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अकाउंट स्टेटस पे क्लिक। तो भाई जैसे कि वो अवॉइड लूजिंग दिख रहा है भाई, आप उनको चार टाइप पे देखते हैं। फिर आपने एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं किया तो आपको देखेगा भाई यू हैवंट पोस्टेड एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर अकाउंट। एक बार अगर आप ब्रेक करते हो कम्युनिटी गाइडलाइंस को तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। दो बार ब्रेक करते हो आपको लिखा आएगा यू कुड लूज एक्सेस टू योर अकाउंट इन द फ्यूचर। अगर आप तीन बार या तीन से ज़्यादा बार करते हो तो आपको लिखा हुआ आता है योर अकाउंट मे बी डिलीटेड। तो भाई इस टाइप का लिखा हुआ आता है। तो भाई ये सब क्यों लिखा हुआ आता है, वो इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि अपना इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं। अब इसे अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप राइट साइड के टॉप पे देखेंगे आपको एक आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई हाउ डू कम्युनिटी गाइडलाइंस अफेक्ट माई अकाउंट। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट फॉलो अ कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ पे सही साफ साफ लिखा हुआ कि अगर भाई आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो आपकी जो कॉन्टेंट है उसे भाई रिमूव कर दिया, मतलब भाई आपको जो अकाउंट है वो भी डिलीट हो सकता है। और दूसरा भाई है विल आई गेट अ वार्निंग बिफोर माई कॉन्टेंट इज रिमूव। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या भाई मेरे को वार्निंग मिलेगी उससे पहले कि मेरा जो कॉन्टेंट है वो रिमूव होगा। तो सीधे इसमें लिखा हुआ है भाई कि आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी अगर आपको जो कंटेंट है उसे रिमूव किया जाता है, तो आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ है वो ये विल आई गेट अ वार्निंग लूज एक्सेस टू माय अकाउंट। भाई लिखा हुआ कि क्या भाई मेरे को वार्निंग मिलेगी जब मेरे जो अकाउंट है डिलीट, मेरे को पता चलेगा मेरे को वार्निंग मिलेगी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अगर भाई आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन को रिपीटेडली मतलब बार बार ब्रेक करते हो तो आप जो है ना अपने अकाउंट को खो सकते हो। ज़्यादातर केसेस में इंस्टाग्राम में वो भाई एक वार्निंग दे देता है डिलीट करने से पहले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी मे टेक डाउन योर अकाउंट विदाउट वार्निंग इफ समथिंग योर पोस्ट इज अ रिस्क टू द इंस्टाग्राम कम्युनिटी। मतलब आपको जो ज़्यादातर पोस्ट हैं अगर वो भाई इंस्टाग्राम की कम्युनिटी को मतलब जितने इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं उनके लिए भाई खतरा है, उनसे उन्हें नुकसान पड़ता है, तो भाई वो शायद तुरंत डिलीट कर सकते हैं। अब आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो यहाँ पे अपन इधर आ जाते हैं, आपको इस पर क्लिक कर लेना, ये अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस दिख रहा है ना इस पर आपको क्लिक कर लेना। अब देखो भाई यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, अब आप लोग यार इतना रीड तो कर नहीं सकते, तो मैं आप सभी लोग को इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो आप ऐसे रीड करना चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है वो ये आती है भाई जो इंस्टाग्राम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें ये रहता है कि भाई कोई को भी हक नहीं कि किसी की भी वीडियो को यूज़ करना, मतलब कॉपीराइट भाई सेम बात वही है कॉपीराइट वाली कि कोई को भी हक नहीं है भाई किसी के कंटेंट को कॉपी करना, किसी की वीडियो को कॉपी करना। तो भाई अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इंस्टाग्राम से एक स्ट्राइक आ सकती है। अब और भी कई चीज़ें, अगर भाई न्यूडिटी मतलब आप भाई उल्टी सीधी फोटोज़ को अपलोड करते हो, मतलब आप समझ जाओगे कोई भाई 18 से नीचे के भी बच्चे की भी आप ऐसी टाइप की फ़ोटो अपलोड करते हो ना, तो भी भाई आपको जो अकाउंट है भाई वो डिलीट हो सकता है और आपको जो कॉन्टेंट है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। और बहुत सारी यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा न्यूड और पार्शियली न्यूड चिल्ड्रन, आप यहाँ पर आपको पूरा रीड कर सकते हो। मैं आपको सभी चीज़ें भाई आराम आराम से छोटे छोटे बातों में समझा देता हूँ। बस में ये भी लिखा हुआ स्पैम फ्री, मतलब स्पैम में क्या होता है भाई इंस्टाग्राम में भी स्पैम्स होते हैं। क्या होता है कि भाई मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक दिन में भाई 200 से 300 लोगों को फॉलो अनफॉलो कर देते हो। फॉलो कर रहे हो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हाँ भाई आप क्या कर रहे हो पहले फॉलो करोगे फिर अनफॉलो करोगे, फॉलो करोगे फिर अनफॉलो, तो भाई दिक्कत ये खड़ी आती है और ये स्पैम में आता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आप जो अपने अकाउंट है उसे खो सकते हो, तो ये भाई एक स्पैम में आता है। और भाई और भी कौन सी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ कि अगर भाई आप बाइंग और सेलिंग करते हो ड्रग्स की, दारू की, ये सब अगर एल्कोहल को अगर आप सेल या बाय करते हो तो भाई ये भी इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो आपको ये सब भी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल या फिर परचेज नहीं करना है भाई। और मैं वो चीज़ पढ़ा देता हूँ। और जो भाई एक और चीज़ है वो ये कि आपको कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज या हेट स्पीच का यूज़ नहीं करना, मतलब कि भाई गाली गलौज नहीं करनी है, आपको किसी के लिए हेट नहीं फैलाना, तो भाई ये भी इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आता है। अब भाई ये भी दिखा रहा है कि आपको ऐसी भी कोई चीज़ नहीं अपलोड करनी है जिससे भाई जिसे देख के कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बड़ा
कोई भी हो, अगर उसे देख के उसे खुद ट्राई करता है भाई, उसे भी इंजरी हो जाए, सीरियस इंजरी हो जाए, तो भाई ये भी आपको नहीं डालना है। और भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़ वर्थी देखेगा, तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ उन लोग को दिखाने लायक है, उन्हें दिखाना अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो मतलब कि भाई आपको ऐसा कुछ अपलोड करना, आपको ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करना जिसे भाई पब्लिक को दिखाना ज़रूरी ना हो, तो आपको ऐसा कुछ भी अपलोड नहीं करना। और भाई इसमें ये भी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आप भाई कोई को कमेंट में उल्टी चीज़ें लिखते हो, तो भाई क्या होता है कि भाई वो चाहे आपको रिपोर्ट कर सकता है, अगर वो आपको रिपोर्ट करेगा तो भाई इंस्टाग्राम में आपको एक स्ट्राइक भी दे सकता है। और भाई ये भी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे कि मैं आपको ऊपर अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला बताया था कि ये कि अगर आप भाई किसी और का फेक अकाउंट क्रिएट करते हो, उसकी फोटोज़ को अपलोड करते हो, तो भाई ये भी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है भाई, ये भी कॉपीराइट ही है। अगर आप भाई उसके फोटो का यूज़ करके दूसरे लोग से पैसे मांग रहे हो, उसका भाई गलत यूज़ कर रहे हो, तो भाई ये भी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ आता है। अब भाई क्या क्या होती हैं चीज़ें, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ कि आपको कोई भी स्पैम नहीं करना, आपको कोई भी कॉपी नहीं करना किसी की, आपको उल्टी चीज़ें ऐसी चीज़ अपलोड नहीं करनी इससे भाई चाइल्ड को रिस्क हो, भाई ये सब आपको सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। अब मैं बैक आता हूँ। अब भाई देखो ये सब आपको रीड कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखो भाई अब क्या होता है कि अगर आप ब्रेक करते हो ना, तो आपको क्या क्या चीज़ से अगर मिल सकता है, जैसे कि आप भाई उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो आपको देखा हो मिलेगा, योर कमेंट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर आप भाई कोई उल्टी सीधी पोस्ट अपलोड करते हो, स्टोरी अपलोड करते हो, रील अपलोड करते हो, तो वो भी भाई आपको एक स्ट्राइक मिल सकता है। अब बात क्या आती है, पहले मैं ये बताता हूँ कि भाई इसे रिमूव कैसे करना। लोग यार ये परेशान है कि भाई सब कुछ छोड़ रहा है, पहले इसका रिमूव कैसे करना। देखो भाई इंस्टाग्राम में डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं बताई है, डायरेक्टली नहीं बताया कि भाई इसे कैसे रिमूव करना। देखो भाई एक बार सीधी बात बताऊँ, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट को ऑप्शन मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, तो भाई आप इस पर क्लिक करके उसे भाई रिमूव करवा सकते हो, तो रिमूव हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या आती है कि भाई इसे क्या कूल डाउन होने का कोई टाइम है क्या, जैसे कि यूट्यूब पे रहता है 90 डेज, तो भाई इसमें क्या कुछ रहता है क्या। तो देखो भाई इंस्टाग्राम में डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, पर भाई ऐसा रहता है कि भाई देखो मैंने बहुत ज़्यादा रीड करा, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करे, जगह मैंने अलग अलग वेबसाइट को देखा, तो उसमें भाई सभी जगह यार ये दिखा रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो गाइडलाइन स्ट्राइक्स रहती हैं वो भाई एक साल में रिमूव होती हैं। तो भाई देखो यार अगर एक साल में रिमूव होती है, भाई आपको कम से कम एक साल का वेट करना पड़ेगा। अब भाई ये रहता है कि जैसे आपको स्ट्राइक आती है ना, तो आपकी जो रीच होती है ना वो डाउन हो जाती है। अगर देखो व्यूज डाउन है तो टेंशन की कोई बात नहीं भाई, एक दो वीक तक रेगुलर वर्क करो, दोबारा वो रीच सही हो जाती है। अब देखो आखिरी जो बात है ना वो ये है कि भाई ये बताओ कि क्या भाई इससे हमारा अकाउंट डिलीट हो सकता है। जी भाई आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर रीड कराया था कि देखो भाई अगर आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को बार बार ब्रेक करते हो है ना, लगातार इसे 2-3 दिन में आपको 5-6 स्ट्राइक आ जाए, तो आपका अकाउंट एक बार में उड़ सकता है। भाई ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोला कि इतने नंबर ऑफ स्ट्राइक आने से रिमूव होता, पर अगर भाई आपको लगातार आप बार बार रिपीटेडली ब्रेक करते हो ना, तो आपको जो अकाउंट है भाई वो डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं भाई, तो मिनिमम 3-5 स्ट्राइक में रिमूव हो सकता है अकाउंट। तो भाई आपको जितने भी भाई डाउट थे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर कि भाई ये क्या होता है, इसे रिमूव कैसे करते हैं, कैसे मेरा अकाउंट डिलीट हो सकता है, भाई यही आशा है कि आप सभी लोग के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है, भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भाई आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।